हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग प्रोसेस। तो आज हम यहाँ पर फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग के बारे में समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फिगर पहले से ही ड्रॉ कर रखा है, तो समझते हैं। सबसे पहले फ्लेक्सोग्राफिक प्रोसेस जो है वो हमारा होता क्या है। तो फ्लेक्सोग्राफिक क्या है हमारा? फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मेनली जो हमारी लेटर प्रेस प्रिंटिंग है उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। यानी कि जो हमारे पहले लेटर प्रेस, यानी कि सबसे पहले जो हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस इस्तेमाल किया गया था लेटर प्रेस, तो उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग। तो फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग में क्या होता है हमारा? फ्लेक्सो प्रिंटिंग की जो मैकेनिज्म होती है वो हाई स्पीड रोलर सिस्टम के द्वारा की जाती है। यहाँ पर जो आपको ये रोलर्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे इन्हें रोलर्स कहिए या सिलेंडर कहिए, तो इस फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग की जो मैकेनिज्म होती है वो हाई स्पीड रोलर सिस्टम के द्वारा फुलफिल होती है, जैसे कि आपको फिगर में शो किया जा रहा होगा। तो चलिए इसे मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर वर्किंग होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक फाउंटेन रोलर। तो फाउंटेन रोलर का हमारा मेन वर्क क्या है फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग में? देखिए होता क्या है, सबसे पहले जो हमारा एक इंक पेन होता है, इंक पेन में हमारी इंक फिल की गई होती है, दैट इज फ्लेक्सोग्राफिक इंक। यानी कि इसमें हमारी फ्लेक्सोग्राफिक इंक भरी होती है। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है फ्लेक्सोग्राफिक इंक, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसमें फ्लेक्स जो इंक पेन होता है, इसमें हमारा फाउंटेन रोलर इमर्ज्ड होता है, हाफ इमर्ज होता है, जो क्या करता है इंक पेन से इंक को पिकअप करता है रोलर के ऊपर। जैसे इस तरह से देखिए, ये रोलर है और इसके ऊपर ये क्या करता है, फाउंटेन रोलर इंक को पिकअप करता है और इसे अगले रोलर तक क्या करता है, पहुंचाता है, यानी कि सेकेंड रोलर तक पहुंचाता है। सेकेंड रोलर हमारा पर यहाँ पर क्या है, एनालॉग्स रोलर। इसे क्या कहते हैं हम, एनालॉग्स रोलर। एनालॉग्स रोलर की एक खास बात है कि ये हमारा मीटरिंग रोलर के नाम से जाना जाता है, मीटरिंग रोलर या मीटरिंग सिलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। मीटरिंग यानी कि ये हर चीज बिल्कुल मीजरमेंट में रहती है, इसकी मीजर करके कैप्चर करता है इनको। यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से मैं यहाँ बता दूं कि अगर आपके पास कोई इस तरह से एक प्लेट है, उसमें बहुत सारे छोटे 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 सेल्स बने हुए हैं, और उन सेल को अगर हम किसी चीज में किसी चीज पे डिप करें, तो उन छोटे छोटे सेल्स के अंदर क्या होती है, हमारी जो लिक्विड है या जो भी हमारा इंक है वो क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। तो इसी तरह से जो एनालॉग्स होता है वो भी क्या होता है, इसमें ये मीटिंग रोलर होता है, इसमें सेल्स बने होते हैं, ये सेल्स क्या होता है एक डेफिनेट अमाउंट में इंक को कैप्चर करते हैं, इंक को होल्ड करके रखते हैं। यानी कि इंक होल्ड करने के लिए ये यहाँ पर हम एनालॉग्स रोलर को यूज करते हैं। तो जैसे ही आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, तो वैसे ही ये फाउंटेन रोलर एनालॉग्स रोलर तक इंक को सेंड करता है। इसके अलावा जो हमारे ये एनालॉग्स रोलर होता है, इस पर मैंने आपको बताया छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, ये सेल्स क्या होते हैं, इंग्रेव्ड होते हैं, उकेरे गए होते हैं, जिससे क्या होता है जो इंक है वो इन सेल्स के अंदर फिल हो जाती है। तो जैसे ही इंक होल्ड अप करता है, तो फिर ये दोबारा से क्या करता है, यहां पर देखिए फाउंटेन रोलर की जो रोटेशन है वो इस साइड में है, और जस्ट इसके अपोजिट साइड में एनालॉग्स रोलर की रोटेशन होती है। तो जैसे ही इस साइड में घूमता है और ये इस साइड में, तो ये फाउंटेन रोलर से इंक लेता हुआ जाता है एनालॉग्स रोलर, और अपने सेल्स में फिल कर लेता है इंग्रेव्ड सेल्स में। और फिर ये क्या करता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मूव हो रहा है एक और रोलर, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेट रोलर या प्लेट सिलेंडर। ये जो हमारा प्लेट सिलेंडर होता है, ये प्लेट सिलेंडर या प्लेट रोलर कहिए, ये इसके ऊपर हमारी एक फ्लेक्सिबल प्लेट लगी होती है। ये देखिए, ये आपका रोलर है और इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ी होती है जो फ्लेक्सिबल मटेरियल की होती है, या फ्लेक्सिबल रबर या पॉलीमर मटेरियल की होती है। तो ये क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं,
प्लेट्स के ऊपर उभरे हुए होते हैं, और जब ये रोलर आपका घूमता है तो इसके सेल्स में जो इंक होल्डअप होती है वो इंक इस उभरे हुए सेक्शन तक पहुंचती है, और इसके ऊपर इंक क्या होती है आपकी फिक्स होने लग जाती है। यानी कि ये जो हमारी रबर की प्लेट होती है जिसे हम क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल प्लेट, इसके ऊपर इंक क्या हो जाती है होल्ड हो जाती है, और यही हमारा क्या कहलाता है प्रिंटिंग एरिया या फिर इमेज एरिया, यानी कि इसी से आपकी इमेज प्रिंट होगी। और ये हमारा क्या कहलाता है जो ये बीच का स्पेस है, ये हमारा नॉन प्रिंटिंग एरिया होता है, यानी कि यहाँ से कोई भी आपका इंक, यहाँ पर कोई भी इंक आपकी होल्ड नहीं होगी। इंक सिर्फ किस में होल्ड होगी, ये जो आपकी उभरी हुई है इसके ऊपर ही आपकी इंक होल्ड होगी। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक और यहाँ पर हमारा रोलर लगा होता है या सिलेंडर लगा होता है जिससे हम क्या कहते हैं इम्प्रेशन सिलेंडर। ये इम्प्रेशन सिलेंडर जो हमारा प्लेट सिलेंडर होता है इसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करता है, और प्लेट सिलेंडर और इम्प्रेशन सिलेंडर के बीच हमारी जो सब्सट्रेट यानी कि जिसके ऊपर हमें इमेज को प्रिंट करना है उसकी वेव इसके बीच में कंटिन्यू चलती रहती है। और ये देखिए सारे रोलर अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मूव हो रहे हैं जिससे ये आसानी से इंक को सब्सट्रेट तक पहुंचा सके। तो जब ये फिर इस तरह से मूव होता है तो ये इसके बीच में ये जो आपकी वेव है इम्प्रेशन सिलेंडर जब वेव और प्लेट सिलेंडर पर एक प्रेशर बनाता है तो ये क्या हो जाता है जो इमेज है जो उभरा हुआ सेक्शन है ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर दिखाया है ये वेव के ऊपर प्रिंट होता चला जाता है। तो इस तरह से हमारी प्रिंटिंग होती है फ्लेक्सोग्राफिक प्रोसेस के द्वारा। और अगर मैं इसे डीपली दिखाना चाहूँ तो ये जो सेक्शन यहाँ पर किस तरह से प्रिंटिंग हो रही होगी, तो इसे देखिए मैंने ओपन थोड़ा करके दिखाया है। ये प्लेट सिलेंडर है और ये हमारा एनालॉग्स रोलर है, ये सेल्स हैं छोटे छोटे एनालॉग्स रोलर के जिसमें हमारी इंक फिल है। तो यहाँ पर देखिए काम कैसे होता है, ये जब आपका ये वाला सेक्शन जाता है तो यहाँ पर जो एनालॉग्स रोलर का जो सेल होता है इसमें से थोड़ी बहुत इंक क्या होती है इसके ऊपर चली जाती है, ठीक है, जो ऊपर की ओर होती है। यानी कि ये जितना ज्यादा इस पे इम्प्रेशन ये जितना ज्यादा इस पे प्रेशराइज होकर स्टिक होगा उतनी इंक इसके ऊपर पहुंच जाएगी, और फिर ये आपके कैसे रहते हैं पूरे फिल रहते हैं, और ये इस तरह से आपका क्या होता है हाफ हाफ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इंक आपकी प्रिंटेड एरिया यानी जो इमेज बनाने वाला एरिया है यानी जो फ्लेक्सिबल प्लेट है उसके ऊपर इंक आपकी धीरे धीरे पहुंचती जाती है इस तरह से। तो ये थोड़े से ब्लैंक होते जाते हैं, इससे जब हमें एनालॉग्स रोलर जब हम देखते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ता है, तभी हमें ये शेल्स दिखाई देते हैं। ये बहुत ही स्मॉल साइज के सेल होते हैं जिसमें हमारी इंक फिल होती है। अब देखिए आगे कभी कभी क्या होता है फाउंटेन इंक के द्वारा सेल्स में एनालॉग से सेल्स में इंक कभी कभी बहुत ज्यादा होल्ड हो जाती है। तो मैंने कहा था ये मीटिंग रोलर है, यानी कि इसके सेल्स जितने भी साइज के होंगे उतना ही अमाउंट पिकअप करेंगे फाउंटेन रोलर से, लेकिन कभी कभी एक्सेस अमाउंट में अगर इंक आपकी होल्ड हो जाती है तो इसके लिए यहाँ पर हमें डॉक्टर ब्लेड प्रोवाइड करते हैं। पहले ये मेटल का होता था, अब ये आपके पॉलीमर वगैरह के भी हो सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं कंटिन्यू स्क्रैप करते जाते हैं जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इंक होता है, और उसे दोबारा फाउंटेन रोलर पर देते जाते हैं जिससे इंक हमारी इंक पैन में दोबारा से चली जाती है। आगे बात करते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ द प्रेस, यानी कि प्रेस में ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि ऑपरेशन किस तरह से होता है, फ्लेक्सोग्राफिक ऑपरेशन इस तरह से होता है। प्रेस में किस तरह से होता है, तो प्रेस में पहले क्या होता है आपका एक अनबाइंड और इन फीड सेक्शन होता है। इन फीड यानी कि एक रोलर होगा आपका जिसके ऊपर आपकी वेव पूरी तरह से बाइंड अप होगी, तो यही जब प्रोसेसिंग के टाइम में ये वेव क्या होती है खुलती चली जाती है और इसके ऊपर इमेज क्या होती है प्रिंट होती चली जाती है। फिर इसके बाद बीच में आपका सेक्शन आता है प्रिंटिंग का, तो यहां से अनबाइंड होना शुरू होता है ये रोलर,
और यहाँ पर आपका ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपका अप्लाई किया जाता है, तो यहाँ से इमेज प्रिंट होती जाती है। फिर आपका एक सेक्शन आता है ड्राइंग का, ये ऐसी इमेज आपकी चलती रहती है जो वेव है, जो सब्सट्रेट है आपकी, वो कंटिन्यू ऐसे चलती जाती है। तो प्रोसेस के बाद फिर आपका एक सेक्शन आता है ड्राइंग का सेक्शन। देखिए प्रिंटिंग के बाद क्या आता है, ड्राइंग का सेक्शन, जहां पर जो आपकी ये इमेज फ्रेशली इमेज प्रिंट होती है वो ड्राई की जाती है हाई वेलोसिटी हीटेड एयर के द्वारा। इसके बाद लास्ट सेक्शन आपका क्या आता है, ठीक लास्ट सेक्शन फर्स्ट सेक्शन की तरह होता है, जो क्या करता है, ड्राई की हुई वेव को बाइंड करने लग जाता है, एक टेंशन प्रोवाइड करता है वेव को, जिससे वेव क्या होती है कंट्रोल वे में इसके ऊपर लपटती जाती है, यानी कि इसके ऊपर पूरी तरह से बाइंड होती जाती है। इसके अलावा जो हमारी फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग प्रोसेस होता है, इसमें हमारी हर प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसमें अलग अलग टाइप की इंक यूज होती है। तो यहाँ पर हम सॉल्वेंट बेस्ड इंक, वाटर बेस्ड इंक, इलेक्ट्रॉन बीम क्यूरिंग इंक और अल्ट्रा वायलेट क्यूरिंग इंक, इन सभी का यूज करते हैं।